दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला था कि आप किसी भी एक फोटोज को दो दो बार कैसे बना सकते हैं, मतलब मिरर कैसे तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे ये वीडियो अपन फोटो बना हुआ है। तो मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप एमएस वर्ड में कैसे फोटो बना सकते हैं मिरर वाला। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कमेंट भी करिएगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कोई भी फोटोज की मिरर तैयार कर सकते हो। सबसे पहले आपको इंसर्ट मेनू में जाकर पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जो फोटो चाहिए जिसकी मिरर तैयार करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है, आपको इंसर्ट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी फोटो आ गई है, जिस हिसाब से हमको चाहिए उस हिसाब से नहीं है। तो हम सबसे पहले उसको अपने हिसाब से बना लेते हैं। ये कॉर्नर पे माउस पॉइंटर रखेंगे तो अपने आप चिन्ह बदल लेता है। ये सबसे पहले हम अपने हिसाब से बना लेते हैं कि इसे कितना छोटा या कितना बड़ा बनाना है, इसके बाद भी हम बड़ा छोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अभी मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ड्रैग नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसे क्रॉप कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन होगा, ये क्रॉप का चिन्ह आ गया। आप इसे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जिस साइड से जितना क्रॉप करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसे कर लीजिए, ठीक है ना। और इसे छोटा करना चाहते हैं तो आप और इसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आउटसाइड में क्लिक कर दीजिए। अब हमको इसकी मिरर तैयार करनी है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करिए, और ये पोजीशन ऑप्शन पे, ये किसी भी पोजीशन पे आप क्लिक कर दीजिए, ऐसा नहीं है किसी एक पे। तो आप इसकी जहाँ पे चाहें ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद मैं इसे कंट्रोल डी सेलेक्ट करके कंट्रोल डी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल डी से इसकी दूसरी प्रति तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी मिरर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। तो आप इसे सिलेक्ट करे रहिए, उसके बाद ये रोरेट ऑप्शन है, आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ उसकी साइज बदलती जा रही है। ये देखिए दोनों एक जैसे दिखने लगे, मतलब कि जैसे एक शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है दोस्तों। अब आप इसमें दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। और आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो देखिए दोनों में बॉर्डर आ रहा, किसी एक में नहीं। जितना पतला छोटा चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और यदि अभी भी देखिए इसमें बीच में स्पेस आ रहा है, ठीक ना, तो आप इसको थोड़ा सा और करीब कर दीजिए ताकि वो फिक्स आए, समझ में ना आए कि बीच में स्पेस है। और दूसरा, यदि आप चाहते हैं कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल बटन के साथ आप जो भी इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक बॉर्डर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कई बॉर्डर दिए हुए हैं, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों एक जैसे हो जाएंगे क्योंकि मिरर तैयार हो चुकी है इन दोनों की। और इसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए कितना अच्छा ये फोटो तैयार हो गया। अब इस तरह से फोटो आप कहीं जाएंगे बनवाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप खुद बनवा के प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए, ताकि आपके साथ साथ और दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।